अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज अहमद उसामा है, ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर स्कैनर्स और मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर के बारे में है, तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसकी तफसील देखते हैं। चैप्टर 1 ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, लेक्चर 18 स्कैनर एंड मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर। तो आज हम ये दो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कैनर के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्कैनर, और इसको हम आंसर करेंगे। स्कैनर एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसको हम यूज कर सकते हैं स्कैन करने के लिए, और वो स्कैन हम करेंगे ऑप्टिकली। जनरली हम कहते हैं कि इसके थ्रू हम स्कैन कर सकते हैं टेक्स्ट को या फिर इमेज को। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो पॉसिबल है कि वो प्रिंटेड फॉर्मेट में हो, या फिर पॉसिबल है कि वो हैंड रिटन हो। तो दोनों तरह के टेक्स्ट को ये स्कैन कर सकता है। अब स्कैन करने के बाद ये क्या करता है? ये इसको स्टोर करता है। स्टोरेज ये किसी भी मेमोरी के अंदर होगी। स्कैनर हम अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो जो मेमोरी यूज होगी वो भी कंप्यूटर की ही यूज होगी। अब जब हम इसको कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं तो ये स्टोरेज डिजिटल होगी। दैट मीन्स के स्कैनर के अंदर जो ऑप्टिकल इमेज या टेक्स्ट आ रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा डिजिटल फॉर्म में। अब नाउडेज हम लोग स्कैन करते हैं और हासिल करते हैं क्या चीज? वी कैन गेट ड्राइंग्स या फिर डायग्राम्स, या फिर हम हासिल करते हैं फोटोग्राफ्स। ये तीनों चीजें हमें मुख्तलिफ जगहों से मिल सकती हैं, और हम क्या करते हैं, हम इनको स्कैन करते हैं और हम इनको शिफ्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। इसके बाद हम इन स्कैन ऑब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और ये इंटीग्रेशन होगी किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए या फिर किसी भी बुक के लिए। इसका मतलब है हमारे पास ये चीजें डॉक्यूमेंट या बुक ये आ जाएंगी डिजिटल फॉर्मेट में, या इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास आ जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इन डॉक्यूमेंट्स को या बुक्स को प्रिंट कर सकते हैं। दैट मीन्स के ये प्रायर टू प्रिंटिंग हमारे पास अवेलेबल होंगी किसी भी डॉक्यूमेंट या बुक के अंदर। स्कैनर की टाइप्स कितनी हैं? तो स्कैनर हमारे पास आता है, सबसे पहले हम कहते हैं कि स्कैनर है हैंड हेल्ड स्कैनर। देन हमारे पास आता है फ्लैट बेड स्कैनर। इसी तरह हमारे पास अवेलेबल है बार कोड रीडर। अब वन बाय वन हम इन तीनों को देखेंगे। जी, तो क्वेश्चन आया था व्हाट इज हैंड हेल्ड स्कैनर, हाउ इट इज यूज्ड, और इसको हम किस तरह से आंसर करेंगे। अब जो हैंडहेल्ड स्कैनर है ये एक ऐसा स्कैनर है जिसको हमने हेल्ड करना है अपने हैंड से, मतलब हाथ में पकड़ के हमने इसको यूज करना है। और हम इसको यूज करेंगे किस तरह से, हम इसको ड्रैग करेंगे। ये ड्रैग किसी भी इमेज के ऊपर होगा। इस ड्रैग करने पे हमने बहुत ही केयरफुल रहना है ताकि हमारी जो स्पीड है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड हो। और अगर ये अनइवन स्कैनिंग रेट होगा, मतलब अगर हम केयरफुल नहीं है और हमारी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, तो अनइवन स्कैनिंग रेट होगा, उससे क्या होगा कि जो इमेज स्कैन होगा उसके अंदर डिस्टॉर्शन आ जाएगी। अब ये जो स्कैनर है ये हमारे पास यूजफुल है किस चीज़ के लिए, स्कैनिंग के लिए, कौन सी चीज़ों की? इससे हम मोस्टली स्कैन कर सकते हैं आर्टिकल्स को, ऐसे आर्टिकल्स जो कि हमारे पास किसी मैगजीन के अंदर हैं, ऐसे आर्टिकल्स जो हमारे पास किसी न्यूज़पेपर के अंदर हैं, या फिर हमारे पास किसी बुक के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम स्कैन करना चाहते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है नेक्स्ट के व्हाट इज फ्लैट बेड स्कैनर, हाउ इट इज यूज्ड, और हमने इसको किस तरह से आंसर करना है। अब हमारे पास जो फ्लैट बेड स्कैनर है, जैसे कि इसके नाम से ही नजर आ रहा है कि इसके अंदर एक फ्लैट बेड होगा, और उसके अंदर हम स्कैन कर सकते हैं किसी भी इमेज को, और उस इमेज को स्कैन करने के लिए हम प्लेस करेंगे फ्लैट बेड के ऊपर जो कि एक ग्लास का मटीरियल होगा, और हम उसके ऊपर प्लेस करेंगे इसको फेस डाउन करके। मींस के जिस सरफेस के ऊपर इमेज है उस सरफेस को हम ग्लास की तरफ रख के फिर स्कैन करेंगे। इसके बाद हम जब स्कैन कर रहे होंगे तो हम उसका जो कवर है उसको हम शट कर देंगे, बंद कर देंगे। क्यों? ताकि वो एक्सक्लूड कर सके किसी भी किस्म की लाइट को। और इसका क्या रीजन है कि अगर वहां पे लाइट एंटर होगी तो स्कैनिंग ठीक तरह से नहीं होगी और इमेज सही स्कैन होके नहीं आएगा।
अब इसका जो मैकेनिज्म है उसमें यूज होता है एक कैमरा, और ये कैमरा मूव होता है ग्लास के ऊपर, जिसको आमतौर पे हम ग्लास पैन भी कहते हैं, और मूवमेंट के साथ ये रीड करता है एंटायर एरिया को। एंटायर एरिया से मुराद है कि जितनी उसकी ग्लास की सरफेस होगी उस तमाम एरिया को। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया था है व्हाट इज बारकोड रीडर, हाउ इट इज यूज्ड, और हम इसको किस तरह से आंसर करेंगे। बारकोड रीडर भी हमारे पास एक स्कैनर ही है जिसके जरिए से हम स्कैन कर सकते हैं बारकोड्स को। इन बारकोड्स को यूपीसी भी कहा जाता है, और ये यूपीसी एब्रीवेशन है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड की। अब इस यूपीसी या बारकोड के अंदर क्या चीज होती है, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि कोई डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और ये डाटा या इंफॉर्मेशन किसी भी प्रोडक्ट के बारे में होगी। दैट मीन्स के इसके अंदर प्रोडक्ट का नेम आ सकता है, देन इसके साथ कंपनी का नेम आ सकता है कि किस कंपनी की प्रोडक्ट है, इसी तरह इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डेट आ सकती है, इसी तरह इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक्सपायरी डेट आ सकती है। तो मोर और लेस इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इस कोड के अंदर सेव होती है। अब ये जो कोड होगा इसको जब हम स्कैन करेंगे और फिर उसके बाद प्रोवाइड करेंगे कंप्यूटर को, कंप्यूटर इसके ऊपर अपनी कोई प्रोसेसिंग करेगा, और उस प्रोसेसिंग के बाद एक जनरेट करेगा बिल को। अब ये जो बिल है ये हमारे पास किसी भी पॉइंट ऑफ सेल पे होगा। दैट पॉइंट ऑफ सेल किसी भी शॉपिंग मॉल का हो सकता है, किसी भी स्टोर का हो सकता है। इसमें एक चीज काबिले जिक्र है कि जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा यूपीसी के अंदर, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये चेंज हो सकती है। प्राइस एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि टाइम के साथ चेंज होती है, तो किसी भी यूपीसी के अंदर प्रोडक्ट का नेम, कंपनी का नेम, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट तो आएगी, बट प्राइस इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है व्हाट इज मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर, हाउ इट इज यूज्ड, और इसको हम किस तरह से आंसर करेंगे। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। ये इनपुट डिवाइस रीड करती है इंफॉर्मेशन को। ये कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि स्टोर होती है किसी भी कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्रिप पे। मोस्टली ये जो कार्ड हैं ये प्लास्टिक मटेरियल के होते हैं, और इसके अंदर एक थिन सी मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। अब उस मैग्नेटिक स्ट्रिप के ऊपर डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, और ये डाटा या इंफॉर्मेशन जो स्टोर होगी ये होगी किसी भी मैग्नेटाइज्ड फॉर्मेट में। मोस्टली इसके अंदर टाइनी पार्टिकल्स को मैग्नेटाइज किया जाता है। अब इस कार्ड को स्वाइप किया जाता है। स्वाइप का क्या मतलब है? स्वाइप का मतलब है कि हम इसको रीडर के साथ प्लेस करके मूव करते हैं, और वो जो मूवमेंट है वो एक हेड पे होती है, और वो हेड एक मैग्नेटिक रीडिंग हेड है जो कि किसी भी टाइनी पार्टिकल्स को जो मैग्नेटाइज हों रीड कर सकता है। अब हमारे पास इसकी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है क्रेडिट कार्ड की, इसी तरह हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एटीएम कार्ड का। एटीएम कार्ड को हम डेबिट कार्ड भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास वीज़ा कार्ड का ऑप्शन भी आता है, और इसी तरह मास्टर कार्ड का ऑप्शन भी आता है। आजकल जो न्यू ड्राइविंग लाइसेंस आ रहे हैं वो भी इसी तरह के कार्ड पे होते हैं। एंड फाइनली हमारे पास कोई भी किसी किस्म का मेंबरशिप कार्ड हो सकता है जिसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रिप यूज हो। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें, और ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंचती रहें जो ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।